हे गाइस, वेलकम बैक। चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की, उनकी एनर्जी चेक करूंगी, ठीक है। मैं हम ये बेसिकली नो कांटेक्ट वालों के लिए है। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, सेपरेटेड हो, आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, या तो ये पर्सन आपके एक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उनकी एनर्जी चेक करेंगे आपके लिए क्या है, क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, क्या चल रहा है, और ये पर्सन बेसिकली आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। क्या ये पर्सन आज भी आपको लव करते हैं, आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, और क्या ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, वापस से रियूनियन में आना चाहते हैं। क्या है इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए, ओके। जो भी पर्सन आपके थॉट में हैं, आपके माइंड में हैं, उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है, क्या सोचते हैं ये आपके बारे में, और हो क्या रहा है इनकी लाइफ में, क्या ये अभी भी आपको याद करते हैं, देखते हैं। तो यह एक कलेक्टिव टाइम बेस्ड जनरल रीडिंग होगी। रीडिंग आपसे रेजोनेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट हो उतना लीजिएगा, जो नहीं होता उसे इग्नोर करें। और अगर रीडिंग टोटली आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, यानी कि रीडिंग आपके लिए नहीं बनी है, ठीक है, आप कोई और रीडिंग देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, और नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें। पर्सनल रीडिंग बाय करना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। एक बात जो मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ लोगों को मैसेज या कॉल रिसीव हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से, उनकी तरफ से आपको गुड न्यूज़ मिल सकता है। चांसेस काफ़ी ज़्यादा है मुझे लग रहा है, ठीक है, आपको मैसेज या कॉल रिसीव होने का, या तो उनकी तरफ से लेटर, ईमेल या कुछ गुड न्यूज़ मिल सकता है। चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, या तो आपको कुछ क्लियर करेंगे वो पर्सन, आपके जो पर्सन हैं, आपके जो एक्स पार्टनर है, आपको कुछ क्लैरिटी दे सकते हैं, आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकता है उनकी तरफ से। लवर्स, ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम, आपके सोलमेट हो सकते हैं, चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। देखिए, मैं देख पा रही हूँ कि पास्ट में आप दोनों के बीच इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, हो सकता है कि आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, आप दोनों को एक दूसरे को समझने में दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी, या तो आप दोनों ने ही एक दूसरे को नहीं समझा, या तो आपको लगा कि आपके पर्सन आपको नहीं समझते, उनको लगा कि आप उनको नहीं समझते, उनके सिचुएशन को नहीं समझते, आप दोनों को एक दूसरे को समझने में दिक्कत हो रही थी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ कमिटमेंट चाहिए था, या तो कुछ प्रपोजल चाहिए था, आपको इस पर्सन से चाहिए था, ओके ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली यार, आपने लव तो दिया है इस पर्सन को, और इस ये पर्सन भी आपसे लव करते हैं उतना जितना आप करते हो, बट हो सकता है कि अपने कैरियर की वजह से, अपने वर्क की वजह से, अपने बिजी शेड्यूल की वजह से ये पर्सन आपको थोड़ा सा टाइम नहीं दे पाते थे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। कुछ लोग के लिए ये हो सकता है कि मैं डेफिनेटली देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन है जो, अगर दूरियाँ क्रिएट हुई है तो वजह मुझे ऐसा दिखाई दे रही है कि मिसअंडरस्टैंडिंग, आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जहाँ पर गलत फहमियाँ ना काफ़ी ज़्यादा है आप दोनों के बीच, मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, ओके। तो अगर आपके एक्स पर्सन की एनर्जी देखो तो जो इस पर्सन ने इक्वल गिवन टेक नहीं किया था पास्ट में, जो इस पर्सन ने आपको नहीं दिया था, उसका रिग्रेट होता है, उसका पछतावा होता है, आपसे बातचीत ना होने का रिग्रेट होता है, पछतावा होता है, जो इन्होंने जो कुछ भी गलतियां की है, हो सकता है कि पहले ये पर्सन नहीं मानते थे, बट अब इस पर्सन को एहसास हुआ है, ओके, ये दिल से फील करने लगे हैं, दिल से इस पर्सन ने फील किया है कि यस, इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर है आपको लेकर, आपके लव लाइफ को लेकर, या तो अपनी लाइफ को लेकर, ये आपसे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं बिल्कुल, ओके, ये आपके बारे में सोचते हैं, डीपली सोचते हैं, इनको सोल लेवल का कनेक्शन फील होता है, आपको भी होता है। अगर ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आपके सोलमेट हैं, आपके ट्विन फ्लेम हैं, तो डेफिनेटली आपको भी ये फील होता है, ये आपको पता है। और अब आपके पर्सन को भी एहसास होने लग गया है और वापस डेफिनेटली आपके साथ यूनियन चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, रोमांटिक भी काफ़ी ज़्यादा फील करते हैं आपके लिए, कनेक्टेड काफ़ी ज़्यादा हैं आपसे, इमोशनली, फिजिकली काफ़ी एंड मेंटली काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन कनेक्टेड हैं आपसे। और हो सकता है कि आप दोनों के बीच फैमिली आया, आप दोनों के बीच फैमिली दूरियाँ क्रिएट की, ओके, फैमिली की वजह से इस पर्सन ने आपको वो नहीं दिया जो आप चाहते थे, कमिटमेंट, मैरिज का प्रपोजल, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस चीज़ का रिग्रेट होता है इनको, पछतावा होता है।
और इस प्रश्न को ऐसा लगता है कि अगर डेस्टिनी आप दोनों का साथ है, किस्मत अगर आप दोनों का साथ है तो ज़रूर आप दोनों मिलेंगे, आप दोनों का यूनियन होगा। ओके, और इनको कहीं ना कहीं एहसास है, ये फीलिंग्स है कि आप दोनों एक दिन एक होंगे, आप दोनों को डेस्टिनी साथ में लाएगी, भले सिचुएशन आज आप दोनों के बीच जो कुछ भी हो, बट इनको ये फील होता है। ये पर्सन जेमिनाई हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पैसिस भी हो सकते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी सारे लोगों का इंटरफेयर है। अगर ये पर्सन आपके पास आते हैं तो डेफिनेटली इनको बहुत सारे लोगों का दिल तोड़कर आना होगा, इनको ऐसा लगता है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है। हो सकता है कि कुछ लोग ले कि ये पर्सन ऑलरेडी कहीं और मैरिड हैं, ओके, इनकी लाइफ में कोई और है, बट ये पर्सन वहाँ पर खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, या तो इनकी मदर नहीं मान रही, या तो इनके सिस्टर, या तो कोई फीमेल पर्सन, कोई भी हो सकता है, आप दोनों के बीच में तो आ रहा है, या तो इनका मैरिज, या तो मैरिज से रिलेटेड कुछ तो है यहाँ पर। ओके, इस पर्सन को एक्शन लेने की ज़रूरत है जो कि ये नहीं ले पा रहे हैं। ओके, स्टैंड लेने की ज़रूरत है और आपसे बात करने की ज़रूरत है, आपको क्लैरिटी देने की ज़रूरत है। मैं ना थोड़ा सा इस पर्सन में कॉन्फिडेंस की कमी देख पा रही हूँ, करेज की कमी देख पा रही हूँ। क्या है आपके इस पर्सन के फीलिंग्स, क्या है आपके उस पर्सन की फीलिंग्स जिनके साथ आप कांटेक्ट में नहीं हैं, क्या है आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर है टेन ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। जब आप दोनों के बीच ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुआ, तो इनको भी उतना ही हर्ट हुआ जितना आपको हुआ। ओके, भले इस पर्सन ने आपको नहीं दिखाया या नहीं दिखा रहे हैं अभी भी, ऐसा हो सकता है, बट ये भी पेन में हैं। ओके, इनको ऐसा लगता है कि इस पर्सन से बहुत ही बड़ी चीज़ इनसे खो गई है, जो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इनकी लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, काफ़ी ज़्यादा मायने रखता था, एक कीमती चीज़, एक बेशकीमती चीज़ इस पर्सन से खो चुका है, ये पर्सन ने खो चुका है। ये इनकी एनर्जी होती है जब भी ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, मिस काफ़ी ज़्यादा करते हैं आपको, और कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत ज़रूर चाहते हैं आपको लेकर। और कुछ लोग लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्दी इस पर्सन की तरफ से आपको कुछ तो मिलने वाला है, प्रपोजल, कमिटमेंट, एक सिक्योर लाइफ, इक्वल गिवन टेक, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स और हीरोफेंट। ओके, और गाइस कुछ लोग लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये पर्सन कहीं और इन्वॉल्व हैं तो इनके लिए मुश्किल है। ओके, इनके लिए मुश्किल है अपने मैरिज को छोड़ना, या तो अपने फैमिली के अगेंस्ट जाना, इस पर्सन के लिए मुश्किल हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे यूनियन में आना चाहते हैं, बट कैसे, इस पर्सन में उतनी हिम्मत नहीं है, ये पर्सन टूट चुके हैं, हार चुके हैं, इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लो हो चुके हैं ये पर्सन, इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लो है। और कुछ लोगों के लिए एक नई शुरुआत होने वाला है आप दोनों के बीच। ओके, जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा इस पर्सन की तरफ से, अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पर्सन नहीं है तो। जजमेंट, यूनियन, ठीक है, यूनियन, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इग्नोर कर सकते हो। ओके, आप इग्नोर कर सकते हो, या तो इजिली आप इस पर्सन को माफ़ नहीं करोगे, आप इस पर्सन को इनकी गलतियों का रियलाइजेशन कराना चाहते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, आपको कराना भी चाहिए। ठीक है, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भी आप ना इस पर्सन को जज करोगे, जब ये पर्सन आपके पास आएंगे आप इस पर्सन को जज करोगे, क्योंकि इस पर्सन ने आपको काफ़ी ज़्यादा पेन दिया है, हर्ट पहुँचाया है, और अब आप अपने एनर्जी में हो, आप अपने हाई एनर्जी में हो। ओके, तो जब ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करेंगे तो आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर सकते हो, सकता है कि आपको कुछ सॉलिड ऑफ़र चाहिए और ये पर्सन आपसे फ्रेंडशिप आपको ऑफ़र करे, तो आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर सकते हो। ओके, क्योंकि देखिए अगर ये पर्सन कहीं और इन्वॉल्व हैं, इनकी लाइफ में कोई और है, तो वहाँ से निकलना इनके लिए मुश्किल हो रहा है, बट ये पर्सन आपको भी चाहते हैं, आपसे भी काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं, अभी भी आपको भूले नहीं हैं, यश आपको मेष करते हैं।
और इनकी नज़रों में अब आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग पर्सन बन चुके हो, आपने काफ़ी अच्छे से खुद को रिकवर किया है, खुद को अच्छे से संभाला है, अब आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस पर्सन बन चुके हो, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हो आप। और इनकी विश है आपसे यूनियन करना, आपके साथ एक नई शुरुआत करना, आपको अपनी लाइफ में रखना। तो गाइस ये रही एक छोटी सी रीडिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, बाय बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें, ओके, लव यू ऑल।